सुपौल जिले के कुम्हारी थाना अंतर्गत 31 तारीख को एक मामला दर्ज हुआ था, जिसमें एक महिला के गुम हो जाने की रिपोर्ट उनके भाइयों के द्वारा कराई गई थी। 31 तारीख के बाद महिला की लाश 5 तारीख को ब्यारमा नदी में मिलने के बाद सनसनी का माहौल व्याप्त हो गया। पुलिस को मामले की सूचना दी गई, पुलिस ने मौके पर पहुंच करके मामले की जांच शुरू की। साथ ही उस महिला की पहचान श्यामाबाई के रूप में की गई है। क्या कुछ है पूरा मामला आपको सुनाते हैं। थाना क्षेत्र कुम्हारी में पिपरिया माल से एक महिला गुमी थी 31 तारीख को, जिसकी सूचना थाने में उसके भाई 1 तारीख को रिपोर्ट दर्ज की थी, जिसमें थाना कुम्हारी में गुम इंसान दर्ज कर उसकी जांच की जा रही थी। आज ब्यारमा नदी के किनारे एक लाश मिली थी, फिर उसकी परिजनों ने उस गुम इंसान श्यामबाई के रूप में तस्दीक की गई है। तस्दीक पश्चात थाना कुम्हारी मर्ग कायम कर उसकी PM कराई गई है और उसकी अग्रिम जांच की जा रही है। जांच में जो भी साक्ष्य आएंगे उस आधार पर उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टि अभी क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि 4-5 दिन पुराना डेड बॉडी है, डेड बॉडी डिकम्पोज हो चुकी है, इसलिए क्लियर नहीं है। PM रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। तो विवाद वगैरह नहीं, विवाद वगैरह तो अभी कुछ स्पष्ट नहीं है।